गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू एज स्टडी। एज स्टडी में आप सभी का स्वागत है। मैं हसन जावेद। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो हिंदुस्तान के हर नागरिक, हर सिटीजन को जानना ज़रूरी है, इसका एडवांटेज, क्योंकि ये हमारे लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जिस चीज़ के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है। कॉन्स्टिट्यूशन में इसका जिक्र आया है, इसके बारे में बताया गया है कि हमारे इस देश में क्या अधिकार है, क्या राइट्स है, क्या हकूक है। तो उस चैप्टर के बारे में आज, कॉन्स्टिट्यूशन के उस चैप्टर के ऊपर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। चैप्टर का नाम है फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार, बुनियादी हकूक। द फंडामेंटल राइट आर मेंशन्ड इन पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड फ्रॉम आर्टिकल 12 टू 35 डील्स विद इट। हमारे देश का जो फंडामेंटल राइट्स है, फंडामेंटल राइट्स को कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में रखा गया है और वो आर्टिकल 12 से 35 तक कवर करता है। आर्टिकल 12 और 13 इंट्रोडक्शन को बताता है फंडामेंटल राइट्स का, मौलिक अधिकार का। जो भी इंट्रोडक्शन है वो आर्टिकल 12 टू 13 एक्सप्लेन किया हुआ है। उसके बाद आर्टिकल 33, 34, 35 फंडामेंटल राइट जो बना है उसका क्या नतीजा है, उसका क्या कंक्लूजन है, इस चीज़ के बारे में बताता है। जो मेजोरिटी पार्ट है यानी फंडामेंटल राइट का जो इम्पोर्टेंस है, वो 14 टू 38 आर्टिकल के अंदर डिस्क्राइब किया गया है। और ये जो फंडामेंटल राइट्स है, हमारे देश का फंडामेंटल राइट जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है, ये यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। यूएसए में फंडामेंटल राइट को बिल ऑफ राइट भी कहा जाता है। तो फंडामेंटल राइट को हम लोग फंडामेंटल क्यों कहते हैं, रीज़न क्या है, चलो इसके बारे में हम लोग जानते हैं। क्यों कहते हैं फंडामेंटल राइट को फंडामेंटल? हर हमारे देश का जितना भी नागरिक है, सिटीजन है, सबके पास राइट है, अधिकार है, हुकूक है, कि वो राइट टू इक्वलिटी है उसके पास, राइट टू फ्रीडम है, राइट टू स्पीच है, राइट टू एजुकेशन है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन है, उसको हर एक अधिकार दिया है कॉन्स्टिट्यूशन ने। अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे के अंदर रह करके करता है तो हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन ने जो कानून है, हमारे देश के, हमारे देश का जो संविधान है, हर नागरिक को बराबरी का हुकूक दिया है, बराबरी का अधिकार दिया है। तो फंडामेंटल राइट आर कॉल्ड फंडामेंटल बिकॉज दे आर ग्रांटेड एज वेल एज प्रोटेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर ऑल सिटीजन इरेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजियंस, कास्ट, जेंडर, कलर एंड प्लेस ऑफ बर्थ। हमारे देश का फंडामेंटल राइट को फंडामेंटल राइट इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये गारंटी लिया है प्रोटेक्शन। हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन हर नागरिक के लिए, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, कोई भी जेंडर, मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर, कुछ भी हो, कोई भी कलर पे भेदभाव नहीं, गोरा हो, काला हो, कोई भी कलर हो, उसको भेदभाव नहीं करना है। प्लेस ऑफ बर्थ, चाहे हमारे देश की किसी भी राज्य में, किसी भी स्टेट में उसकी पैदाइश हुई है, तो उससे भी उसको भेदभाव नहीं करना है। फंडामेंटल राइट का यही मतलब है। द फंडामेंटल राइट आर जडिसेबल, जस्टिसेबल एंड ऑल द सिटीजन ऑफ इंडिया हैज़ टू गो टू सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट। अगर फंडामेंटल राइट दरअसल 6 फंडामेंटल राइट है, अगर 6 में से किसी एक फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है, उसका विरोध हो रहा है, तो हिंदुस्तान की न्यायपालिका है, कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, बहुत सारे हमारे देश में न्याय
देने के लिए सिटीजन्स को सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट बनाए गए हैं। अगर सिटीजन्स के खिलाफ या सिटीजन्स को फंडामेंटल राइट के विरोध लग रहा है कि ये फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है यहाँ, तो कोई भी नागरिक उस फंडामेंटल राइट के वायलेशन के अगेंस्ट वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच सकता है और वहां जाकर के उस के ऊपर केस दर्ज कर सकता है। अगर फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है तो कोई भी व्यक्ति, कोई भी सिटीजन वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जाकर के केस दर्ज करवा सकता है। देयर वर टोटल 7 फंडामेंटल राइट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। पहले हमारे देश के जो संविधान है, कानून है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें 7 फंडामेंटल राइट का जिक्र हुआ था। अभी 6 फंडामेंटल राइट है, लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया था उसमें 7 फंडामेंटल और राइट के बारे में डिस्क्राइब किया गया था। चलो एक एक फंडामेंटल राइट्स के बारे में हम लोग आज डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे राइट टू इक्वलिटी, बराबरी का हुकूक। हमारे देश का जितना भी सिटीजन है, नागरिक है, अवाम है, सबको बराबरी का हुकूक है, बराबरी का अधिकार है, और वो आर्टिकल 14, 15, 16, 17 एंड 18 तक डिफाइन किया हुआ है। यानी हमारे देश का जो पहला फंडामेंटल राइट है, राइट टू इक्वलिटी, वो आर्टिकल 14 से 18 तक कवर किया हुआ है, उसके बारे में डिस्क्राइब किया गया है। आर्टिकल 14 क्या डिफाइन करता है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। आर्टिकल 14 हमारे देश का जितना भी सिटीजन है, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये प्रोवाइड करवाता है। यानी न्याय दिलाना, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। जैसे कोई भी, अगर हमारे देश का कोई भी व्यक्ति कुछ अगर कानून के विरोध या कानून के खिलाफ कर देता है, तो उसे उतना ही सजा दिया जाएगा जितना प्राइम मिनिस्टर या कोई भी व्यक्ति हत्या कर दे, उसको भी उतना ही सजा होगा जितना एक आम नागरिक को होगा। और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे बड़ा इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ दिया है। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ क्या होता है, जैसे हमारे देश में कोई भी सिटीजन अगर हत्या कर दिया किसी को, तो किस रीजन से हत्या किया, उसके ऊपर भी सबसे पहला प्रशासन खोज विचार करते हैं, तब जाकर के उसको यानी आखिरी अंजाम तक पहुंचाते हैं कि क्या रीज़न था, क्या वो सेल्फ डिफेंस कर रहा था, या बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। कोई इंसान किसी को मारता है, क्यों मारता है, इसका भी रीज़न राइट टू इक्वलिटी के अंदर डिस्क्राइब किया गया, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ दिया है। लेकिन हमारे देश के 2 व्यक्ति है एक्सेप्शन में, 2 पर्सन ऐसा है जो अगर हत्या भी कर देता है या कुछ कर देता है, तो उसे फांसी की सजा नहीं होगी, उसके ऊपर कोई भी क्राइम केस एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। उस 2 व्यक्ति का नाम है, सबसे पहला प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, दूसरा गवर्नर ऑफ इंडिया। ये 2 पर्सन है हमारे देश की, इसके ऊपर कोई भी क्रिमिनल केस एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा अगर वो उस दौरान किसी को हत्या भी कर दिया या हत्या कर देता है। एक वेरी इंपॉर्टेंट हमारे लिए इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ जो हम बता रहे थे अभी, या इंटेंसली बाय मिस्टेक कोई भी इंसान किसी को मार देता है, या अनइंटेंशन में मार देता है, या फॉर सेल्फ डिफेंस, तो सबसे पहला हमारे देश की राइट टू इक्वलिटी के अकॉर्डिंग, फंडामेंटल राइट, राइट टू इक्वलिटी के अकॉर्डिंग इक्वल प्रोटेक्शन दिया जाता है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ प्रोवाइड किया जाता है। जैसे मान लो मैं रास्ते में जा रहा था,
कोई डाकुओं ने मुझे चारों तरफ से घेर लिया और मेरे ऊपर अटैक कर रहा था, तो मैंने अपने आप को बचाने के लिए उसको मार भी सकता हूँ, उसे गोली भी मार सकता हूँ या उसे कुछ भी कर सकता हूँ। मेरे जान का वहाँ खतरा था, इसी वजह से मेरे जान को बचाने के लिए राइट टू इक्वलिटी में, यानी प्रोटेक्शन ऑफ इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ बताया गया है। या मान लो कोई चोर या डकैत हमारे घर में रात को डाका देने के लिए आया, तो मैंने उस डाक को या चोर या डकैत को मार दिया, सबसे पहला पुलिस मुझे डायरेक्टली हैंगिंग नहीं करेंगे, फांसी में नहीं चढ़वाएंगे, उसके ऊपर पूरे तौर पे खोज विचार होगा कि ये मारा क्यों, क्या रीज़न था, या कभी कभार क्या होता है इंटेंशनली किसी को हम एक थोड़ा सा मारे, थोड़ा सा मारने के बाद वो मर जाता है। तो इसके ऊपर भी पुलिस वहाँ बहुत दिन तक केस को चलाती है, कोर्ट में इसके ऊपर डिस्कस करती है। लेकिन और भी बहुत सारे देश हैं जहाँ ये प्रोवाइड नहीं किया जाता है, हमारे देश में ये इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ दिया गया है। जैसे एक बहुत बड़ा फेमस केस था, उस केस के बारे में आप शायद सुने होंगे, केस का नाम रिहाना जब्बारी, 2011 में उसे सेक्सुअल हरासमेंट करता था, रहने वाला था वो ईरान के रहने वाली थी, औरत थी, उसे सेक्सुअल हरासमेंट किया जाता, सेक्सुअल जब हरासमेंट उसको कोई कर रहा था, तो रिहाना जब्बारी ने उस व्यक्ति को मर्डर कर मार दिया। तो वहाँ जो कॉन्स्टिट्यूशन है ईरान में, तो वहाँ ये इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ प्रोवाइड नहीं किया जाता है। तो रिहाना जब्बारी को 2014 में ईरान की हुकूमत ने, ईरान की सरकार ने उसे फांसी में चढ़ा दिया। उसके बाद आर्टिकल 15 प्रोहिबिटेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, कलर, जेंडर, प्लेस ऑफ बर्थ। आर्टिकल 15 यानी फंडामेंटल राइट के, राइट टू इक्वलिटी, ये बताता है आर्टिकल 15, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। भेदभाव में प्रोहिबिशन मिस मना है, जैसे बेसिस ऑफ रिलीजन, रिलीजन के बेसिस पे कोई भी भेदभाव नहीं कर सकता है, कास्ट के बेसिस पे कोई भी भेदभाव नहीं कर सकता है, कलर के बेसिस मिस गोरा काला इसके ऊपर कोई भेदभाव नहीं कर सकता है हमारे देश में, जेंडर पे कोई भी भेदभाव नहीं कर सकता है, जेंडर यानी मेल फीमेल ट्रांसजेंडर किसी पे भी कोई भेदभाव नहीं कर सकता, ये आर्टिकल 15 में मना किया गया है। प्लेस ऑफ बर्थ भी है इसे आर्टिकल 15 में, डिस्क्रिमिनेशन अगर कोई कर रहा है तो इसे मना किया गया। आर्टिकल 16 इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, हमारे देश में आर्टिकल 16 हर एक व्यक्ति को बराबर एम्प्लॉयमेंट यानी नौकरी लेने का अधिकार दे, जैसे उसे अपॉर्चुनिटी है, मौका है, जैसे SSC ने जॉब वैकेंसी आउट किया, तो SSC सिर्फ एक ही सेक्टर में नहीं करेंगे, वो पूरे इंडिया के नॉर्दर्न रीजन, साउदर्न रीजन, ईस्टर्न रीजन, चारों रीजन, जितना भी हमारे स्टेट को जितना हिस्सों में डिवाइड किया, हर एक रीजन में उसे जो यानी एम्प्लॉयमेंट वैकेंसी आउट करना होगा। तो कोई भी अगर वैकेंसी आउट होता है तो एक ही जगह यानी अगर वो सेंट्रल के थ्रू से हो तो उसे पूरे स्टेट में लागू किया जाता है, जितना भी स्टेट। तो यही है, अगर कोई हिंदू पुलिस का जॉब कर रहा है तो वहाँ मुस्लिम भी कर सकता है, वहाँ कोई भी रिलीजन का आदमी जॉब कर सकता है आर्टिकल 16 के अकॉर्डिंग, या ऐसे भी हम इसको समझ सकते हैं आर्टिकल 16 को, कि मान लो जैसे सरकार ने क्या किया, वैकेंसी आउट किया और बोल दिया कि इसमें सिर्फ
हम लोग हिंदुओं के लिए वैकेंसी आउट किया और इसमें कोई भी और रिलीजन्स को नहीं दिया जाएगा, तो आर्टिकल 16 का वो वायलेशन हो रहा है। तो वहाँ हम लोग उस वायलेशन के विरोध में डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जाकर के अपना केस दर्ज करवा सकते हैं। इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, आर्टिकल 16 यही कहता है। आर्टिकल 17, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, छूत छात के ऊपर जितना भी हमारे देश में बहुत बड़ा मैटर चला है, छूत छात। क्या होता था कि छूत छात एक ऐसा चीज़ था, अगर कोई ऊंचा जात के पास जाकर के कोई नीचा जात वाला उसकी टेबल है या उसका कुआं है वहाँ जाके पानी पी लेता था तो उसे वहाँ साफ करवाया जाता था या उसे पीने नहीं दिया जाता था। जैसे हमारे देश के जो कॉन्स्टिट्यूशन के फादर है, जो लिखने वाले हैं, भीमराव अंबेडकर, वो भी इस फेनोमेनन से गुजरे, अनटचेबिलिटी से। उसे नीचे जात कहकर के उसके साथ भी भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था, जिसकी वजह से ये बहुत ज़रूरी था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 17 को इम्प्लीमेंट करना। उसके बाद आर्टिकल 18, एबोलिशन ऑफ टाइटल। आर्टिकल 18 ये डिस्क्राइब करता है कि अगर कोई भी टाइटल्स है, जैसे पहले आप सभी जानते हैं कि हमारे दादा परदादा के वक्त उसका कुछ टाइटल हुआ करता था, जमींदार या सरकार या महाराज जैसे बहुत सारे टाइटल दिया करते थे, या सजाउद्दौला या शमसुल आरफीन, बहुत सारे टाइटल्स दिया जाता था। तो वो सारे टाइटल्स को एबोलाइज किया गया, ख़त्म किया गया आर्टिकल 18 के अकॉर्डिंग। आर्टिकल 18 ये डिस्क्राइब करता है कि कोई भी टाइटल्स है, अगर उसके पास ये टाइटल्स है तो उसको हटाया, लेकिन दो इसमें एक्सेप्शन है, मिलिट्री अपना टाइटल्स को यूज़ कर सकता है और कुछ एजुकेशनल जैसे डॉक्टर है, एडवोकेट है, बहुत सारे हैं जो अपना एजुकेशनल जिसको मिला है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन वो अपना टाइटल्स यूज़ कर सकता है, मिलिट्री अपना टाइटल यूज़ कर सकता है। तो आज हम लोग राइट टू इक्वलिटी को डिस्क्राइब किए और बाकी हर एक फंडामेंटल राइट्स को एक्सप्लेन करेंगे। आज इतना ही काफ़ी। हमारे चैनल को एजे स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और ये फंडामेंटल राइट्स को जानना हर व्यक्ति, हर सिटीजन्स को ज़रूरी है, क्योंकि उसे पता ही नहीं होता कि हम को सरकार ने, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने, हमारे जो संविधान है, हमें क्या हक दिया है, क्या अधिकार दिया है, कहाँ जाकर के हम क्या बोल सकते हैं। अगर तुम्हारे पास फंडामेंटल राइट है तो तुम फंडामेंटल राइट को यूज़ करके कहीं पे भी अपना फंडामेंटल राइट का हवाला दे करके किसी से भी बात कर सकते हो, बड़े से बड़े अधिकारी से, कि हमारे फंडामेंटल राइट ने मुझे ये राइट्स, अधिकार दिए हैं। अगर